न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए गए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी ने कहा कि SC ST रिजर्वेशन पर भी कांग्रेस की तलवार लटकी हुई है, कांग्रेस OBC लोगों का जीना मुश्किल कर देगी। पीएम ने कहा कि क्या उन्हें देश के लोगों को कांग्रेस के मंसूबे से आगाह नहीं करना चाहिए। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करें। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली बगैर लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेस पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टन दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90 के दशक में कर्नाटका में। उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खाकर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% सैद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। दो साल कांग्रेस पूरी चुप रही, 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया, 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया, एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे, उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग ही नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। सैम पित्रोदा के विरासत एक्स बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुल्क में जमीन का दोबारा हिसाब लगाएगी और इसको दोबारा तकसीम करेगी। पीएम ने कहा कांग्रेस जो करना चाहती है वो उसके मैनिफेस्टो से जाहिर होता है। पीएम मोदी ने न्यूज 18 के खसूसी इंटरव्यू में कहा एक्सरे का मतलब है घर घर छापे, पीएम मुल्क में जमीन का हिसाब किताब होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा, और कहा कि कांग्रेस इसे दोबारा मुल्क को तकसीम करेगी। राजेश ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए, अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, इसी से जुड़ा सवाल है इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है, और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है
तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह की वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कल रात देर गए मुश्तबा सरगर्मी के इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में हिफाजती इकदाम को फाल किया। आज सुबह सांग पकेट से पुलिस की एक गश्ती टीम विलेज डिफेंस गार्ड के अरकान के साथ चोचरू गाला हाइस्टी पहुंची और सुबह 7:45 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस और छुपे हुए मुशतबा दहशतगर्दों के एक ग्रुप के दरमियान आमना सामना हुआ। फायरिंग के इब्तदाई तबादले के दौरान एक VDG मेंबर जख्मी हुआ है और एडिशनल स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप फौज और CRPF यूनिटों को तैनात किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन साइट से सर्च के दौरान ग्रीन देकर चीनी स्टील कोर गोलियां बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर के जरिए पैराट्रूपर्स को इस दूर दराज मकाम पर उतार दिया। जोगिंदर सिंह SSP उधमपुर ने कहा कि SOG के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंचकर VDG की लाश को बरामद किया जो जिला उधमपुर के वसंतगढ़ के पिनारा इलाके में फायरिंग के वाकये में मारा गया था। तो वहीं उधमपुर में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए VDG मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई है। दहशतगर्दों ने मोहम्मद शरीफ के घर में घुसकर उन्हें 4 गोलियां मारी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। वसंतगढ़ में हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर्स को उतारा गया है। SGR ले हाईवे पर गंगीर सोनमर्ग के मकाम पर एक तवेरा गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और तवेरा गाड़ी सीधे दरियाए सिंध में जा गिरी। इस हादसे में 3 जख्मी मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया जबकि 6 अफराद अभी भी लापता है। दरियाए सिंध में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पेश आ रही है। हादसे की खबर सुनते ही गांधरबल पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस SDRF NDRF समेत मकामी लोग भी मौके पर पहुँच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद फराहम कर रहे हैं। जख्मी अफराद को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और बाकी लापता अफराद की तलाश की जा रही है। गुरेज में राजदान टॉप के करीब बीकन पुलिस BSF और फौज के साथ साथ जिला कंट्रोल रूम और गुरेज इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 1.5 दर्जन के करीब मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियों को बहिफाजत निकाला। कहा जा रहा है गुरेज से जब कुछ सयाह और मुसाफिर बांदीपुरा की ओर रवाना हुए थे तो इस दौरान मौसमी हालात बिल्कुल ठीक थे, ताहम मौसम ने अचानक करवट बदली और यूं ये मुसाफिर और सयाह राजदान के करीब बर्फबारी में फंस गए। ताहम बीकन फौज पुलिस और BSF ने न सिर्फ इन दरमानदा मुसाफिरों को खाना फराहम किया बल्कि जिला और गुरेज इंतजामिया के साथ मिलकर इन्हें हिफाजत के साथ बांदीपुरा पहुंचाया। दरमानदा मुसाफिरों ने DC बांदीपुरा की जानिब से फौरी इकदाम और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराने पर उनका शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में प्रनूट के मकाम पर जमीन धंसने का वाकया पेश आने से तकरीबन 100 कुंबे मुतासर हुए जिन्हें इंतजामिया ने मुख्तलिफ रिलीफ सेंटर में मुंतकिल किया। कांग्रेस के पार्लियामानी उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के प्रनूट का दौरा करके मुतासर खानदानों से मिले और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुतासर कुंभों को इमदाद करे और फिल कुंबा 5 लाख के मुआवजे के अलावा मकान बनाने के लिए जमीन फराहम करे और हर घर के एक फर्द को नौकरी दी जाए। वाजरह प्रनूत इलाके में जमीन धंसने से करीब 50 घर मुकम्मल तौर जमीन बर्द हुए और दीगर 50 को जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। चौधरी लाल सिंह ने सरकार से मुतालबा किया कि मुतासर लोगों के लिए पैकेज और मुतबादल जमीन जल्द अज जल्द फराहम करें। हो चुके हैं
डीसी साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ ही पर कैंप लगा दिया है अपने पंचायत घर में। तहसीलदार साहब खुद जो है अपने पूड़ियों पर फुलके तल करके हमें जो है खिला रहे हैं। नायब साहब जो है सबसे पहले वो यहाँ पहुँचे हैं, नायब तहसीलदार रामबन, और उनके साथ एक और तहसीलदार साहब थे जो ज्ञानी जी थे। उन्होंने सारी रात जो है और 4-5 दिन से शाना बशाना हमारे साथ वो अपने हाथों से खाना जो है हमें खिला रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये खाना और ये टेंट और ये कमेटी हाल जो है कब तक हमें वहाँ पर देंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा सर? हम मुस्तकिल इस बात का जो है हल चाहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन के बदले जितनी जिसको ज़मीन थी यहाँ पर उसके बदले जो है कहीं दूसरी जगह पर हमें जो है ज़मीन दी जाए, और वहाँ पर मकान बनाने के लिए जो है कम से कम 10 लाख रुपये आज की डेट में तो छोटा सा मकान बनता है तो दिया जाए। सर आप देख सकते हैं कि हमारा ये मकान जो है बिल्कुल ज़मीन दोज हो चुका है। सबका जो है यहाँ पर तकरीबन 26 घर जो हैं सब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सर इन जो बिल्कुल डूब चुके हैं उनको दी जाए, और जो बाकी रेड जोन में आ रहे हैं जो जिनके और क्रैक हो रहे हैं सर तो उनको भी दी जाए। सर हमारा बहुत नुकसान हुआ है, मैंने JKRNGP के तहत 4 लाख का लोन लिया था 2021-20 में। सर मेरा पूरा जो है दुकान डैमेज हो चुका है, उससे मेरा टोटल लॉस हुआ सर। कुछ भी परसेंट में वहाँ से सामान नहीं ले पाया हूँ, और मेरी जो अभी लोन वहाँ पे बाकी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे लोन जो है मेरा वो माफ़ किया जाए। देखो जिस टाइम ये जो लैंड सिंकिंग शुरू हुई थी उसी टाइम 5:30 बजे के आसपास हमारी टीम को कॉल मौसू हुई थी कि परनौत वाला जो थलवा वाला एरिया है वो सिंक हो रहा है, और ये खबर मिलते ही हमारी टीम के वे यहाँ पहुँची, और हमने उस टाइम सिर्फ वो जो ज़रूरी सामान था उन लोगों के माल था उसको प्रेफरेंस दी। उसी टाइम हम लोग सिर्फ वही निकालने में कामयाब हुए, और उसके बाद दूसरे दिन से लगातार हमारे मेंबर्स चेंज होते गए, और हर मेंबर्स ने कोशिश की कि हर दिन यहाँ पे आके कुछ न कुछ खिदमत की जाए, और आज चौथा दिन है और हमारी टीम मसलसल यहीं पर है, और लोगों का जो सामान तकरीबन 90% अल्लाह की मदद से हम लोगों ने सेफ जोन में पहुँचाया हुआ है। है किसकी सरकार है इस समय इनको सेटल करने का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी क्लियर। और जो भी है इस समय गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करे और इनके अधिकार को दिलवाए, और 28 है और कल 29 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर, और ये बात बड़ी डिले हो रही है। मैंने अलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करी है, अभी मेरी बात हुई है, रिक्वेस्ट की है। अब मैं आपके DC साहब से बात करूँगा, का फोन बिजी था, मैं बात करूंगा। यहाँ भी मेरा जोर लगेगा, मैं पूरी बात करूंगा। नहीं हुआ तो मैं जीतता हूँ पार्लियामेंट में, तो मैं ऐसी तैसी करूंगा जो मर्जी। पुलवामा पुलिस ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों पर रोक लगाने के सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दी, और इस सिलसिले में पुलिस ने जिला पुलवामा के मोंगहामा इलाके में एक मंजिला रिहायशी मकान जो दहशतगर्दों की तरफ से अपनी पनागाहों और कयाम के लिए मकान मालिक मोहम्मद लतीफकार की तरफ से दहशतगर्दी के लिए फराहम की जाने वाली तमाम लॉजिस्टिक मदद के अलावा दहशतगर्दी की सरगर्मियों से भी ताल्लुक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जायदाद अब सरकारी कब्जे में है। नामजद अथॉरिटी की पेश की इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म की मुंतकली लीज या तब्दीली की ममानियत है, और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पुलवामा में पहले ही मुख्तलिफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में दफात के तहत केस दर्ज है। दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म करने और उनके माली मामलत के निज़ाम को दरहम बरहम करने के लिए पुलवामा हुकाम के अटल अज़म की निशानदेही होती है। खित्ते में अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए जारी कोशिशों में अवाम का तआवुन ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने गनबल किश्ती हादसे के मुतासर खानदानों से मुलाकात की। यह हादसा 16 अप्रैल को किश्ती उलटने से पेश आया था। उन्होंने मुतासर खानदानों से ताज़ियत की और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। बहुत ही अफसोसनाक दिलदोस वाकया यहाँ गंडबल बंटवारा में पेश आया। एक कश्ती जो दरियाए झेलम में यहाँ गंडबल में
पानी के तेज बहाव में बह गई, डूब गई। बहुत सारे मासूम बच्चों की और कुछ उनके वालदेन की जान चली गई। बहुत ही दिलदोस ये वाक्या यहाँ पेश आया, बहुत ही दर्दनाक ये सारा मामला यहाँ गंडबल बंटवारा में पेश आया है। बहुत ही तकलीफ देने वाला, बहुत ही दुख देने वाला ये हादसा यहाँ पेश आया। हमें बहुत तकलीफ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी खुद यहाँ पहुंचे, तमाम फैमिलीज के साथ इस दुख और गम के इस मौके पर हम उनके साथ खड़े हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तमाम विक्टिम फैमिलीज को ये भरोसा दिलाया है कि जो भी मदद सरकार की तरफ से होगी वो इन तमाम विक्टिम फैमिलीज जो गंडबल बंटवारा के यहाँ रहने वाले हैं उनकी हर किस्म की मदद इमदाद जो सरकारी होती है वो की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या अब की बार 400 पार? क्या है मोदी की गारंटी का रोड मैप? सारे सवालों का खुद देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेबाक बातचीत, पीएम मोदी इंटरव्यू, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर कल रात 9 बजे। मेरे चर्चा। गांधरबल के सचिव नुसरत अली ने वन स्टॉप सेंटर का किया दौरा, बच्चों को प्रदान की जा रही है सुविधाओं का लिया जायजा। गांधरबल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन, प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद गनई कार्यक्रम में रहे मौजूद। आरसपुरा के गोगिया गांव में शिव सहज योग साधना कार्यक्रम का आयोजन, आरबी रिजॉर्ट में 1 से लेकर 9 मई तक कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले जान ले, अब विश्व में रामायण उत्सव भी मनाया जाएगा। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की जनता से किए वादे, कहा चुनाव जीतने के बाद मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना होगी हमारी प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल पर किया पलटवार, कहा बिंदल बेतुकी बात करते हैं, 400 पार नहीं सत्ता से तड़ी पार होगी बीजेपी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने शिमला के रामपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस को महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी बताया, पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया का गगरेट में रोड शो के दौरान किया शक्ति प्रदर्शन, कहा गगरेट की जनता भ्रष्टाचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। अनीस अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के खिलाफ जनता में है भारी रोष, जनता बीजेपी को पटखनी देने वाली है। प्रभारी संजय ठाकुर ने किया केलांग का दौरा, संजय ठाकुर ने बागी नेताओं पर कसा तंज, कहा भावनाओं को बेचने वाले को जनता सिखाएगी सबक, बीजेपी का लाहौल स्पीति के प्रति रवैया को नकारात्मक बताया। कुल्लू में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से राजौरी पुंछ जो कश्मीर को मुगल रोड से जोड़ती है बंद है और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तलब की। उनका कहना है कि आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए, वोट डालने में किसी को परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। रविंद्र रैना ने कहा कि इसमें कोई वोट बैंक वाली सियासत नहीं है, इलेक्शन कमीशन इस मामले में जो भी फैसला करेगा वो यहां की जमीनी हकीकत को देखकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया एयरलाइंस के तमाम शराकतदारों को अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना है जब भी इकतदार में रहे हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आला रहकर भी आवाम की खिदमत नहीं की। मौसम की खराबी के चलते
जो भारी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी के चलते रजौरी पुंछ जो वादी कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते जुड़ता है वो बर्फबारी के चलते बंद है। इस वक्त भी मुगल रोड पीर की गली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है। चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर शख्स को आसानी से इस जो जमहूरी निजाम में वोट देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कैंपेन में। लेकिन मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते एकमात्र जो रास्ता मुगल रोड और पीर की गली जो वादी कश्मीर को रजौरी पुंछ से जोड़ता है वो बंद पड़ा है। इसलिए इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब प्राकृतिक आपदाओं के चलते फैसले बदलने पड़ते हैं या उसमें कोई नया शेड्यूल आता है। इलेक्शन कमीशन जो भी उसमें फैसला करेगा वो यहाँ की हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज को देख के लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि आपको हमने पहले परनोट इलाके के बारे में जानकारी फराहम की, हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने परनोट का तफसीली जायजा लिया, आइए देखते हैं। टीम में आप सभी लोग का इस्तकबाल है, मैं हूं बिलाल बाली। लगातार हम आपको परनोट इलाके से ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे पीछे के मंजर आप जब देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपका दिल जो है खून के आंसू रोएगा कि जब लोगों के घर जो उजड़ जाते हैं वो किस तरह की तस्वीर होती है, जब कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो किस तरह कुदरत जो है मौका नहीं देती है संभलने का। तो ये तस्वीरें हैं, जो एक पक्का मकान था उसके पीछे दूसरा तीसरा चौथा चार मकान जो है बिल्कुल एक दूसरे में जम हो गए हैं, टूट के बिखर गए हैं। इनके आसपास की जमीन थे, पांचवा घर भी नीचे आपको दिख रहा है और ये छठा घर है जिस पर हम अभी खड़े है। ये कच्चा मकान था, लोग भी यहां पर घर बार छोड़कर यहां से निकल गए, अपने महफूज मकामात की तरफ, अपनी जानों को ही बचा पाए, बाकी यहां कुछ ना बच सका, सब कुछ मिट गया, सब कुछ कुदरत ने यहां पर तहस नहस कर दिया। इनके बाग थे, अखरोट के पेड़ देख रहे हैं आप, नाशपति के पेड़ है। देखिए सामने, अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं किस तरह कितनी बड़ी जो यहां पर ट्रेजडी आई है और पूरे जंगल के बीच में से एक कट लगा है। तकरीबन 50 से 60 मीटर का जो एरिया है पूरा सिंक हो रहा है और ये लगातार सिंक होने का सिलसिला जारी है और इसके बाद की तस्वीर यहां से बिल्कुल ड्रास्टिक तस्वीर बन जाती है। और अभी तक अगर बात करेंगे 30 से 60 घर जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हो गए हैं और 100 घरों को यहां से वेकेट करके यहां से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। खतरे को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। यकीनी तौर से यहां पर इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई की ताकि लोगों की जानों की बचाई जा सके। ये देखिए यहां का मशहूर अनारदाना, जिसे यहां पर परनोत इलाके में आप जानते हैं कि अनारदाना हुआ करता था, ये अनारदाना का पेड़ है, ये फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये फूल जो है, ये पेड़ है जो आप सब मिट गए हैं, इनका कोई यहां पर खतरे से खाली नहीं। यहां पर किस तरह की बागबानी, किसी तरह का कुछ भी नहीं हो सकता, तामीर नहीं हो सकती। इन लोगों की तकरीबन जो ज़मीन 200 कनाल के करीब थी वो सब मिट गई। मैं आगे से थोड़ी और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह, देखिए दराड़े जो कितनी पड़ी हुई है, यहाँ पर इतनी डीप जो कट लगे हैं, यहाँ पर घरों के बीच में सेंटर में इतनी दराड़े पड़ी है, तो आगे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ घरों में क्या हालत होती है। थोड़ा आगे और बताऊँगा मैं ज़रा किस तरह, यहाँ देखिए घर के बीच में दराड़ पड़ने से पूरा मकान का छत टूट गया है, इसका दरवाज़ा टूट गया, बिखर गया और ऊपर देखिए ऊपर वाले जो मकान है, ये तस्वीरें दर्शाते हैं कि तबाही के जो मंजर कैसा है, भयानक होगा। इन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने जिंदगी भर का ये सपना सजोया होगा, ये ख्वाब बनाकर एक घर बनाया होगा जहां पर लोगों का बचपन गुजरा होगा, जवानी, शादी, ब्याह, सब चीजें गुजरी होंगी और आज वो है इस तरह की तस्वीर पेश करता है। यकीनी तौर से दिल को तोड़ देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती है। कुदरत जब काया पलटता है या जमीन में जब इस तरह का ये स्लाइड होती है या सिंकिंग होती है तो तब वहां पर किसी इंसान की बस नहीं चलती है। हम देखते हैं जिला रामबन में इससे पहले डुक्सर इलाके में भी इसी तरह की तबाहकारियां थी, ढलवास में भी हुई और आज जो है परनोत हम देख रहे हैं कि ये किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है। और ये देखिए किस तरह घर टूट बिखर गए हैं, इनके बाग खूबसूरत बाग, यहाँ खूबसूरत पेड़ जो है सब के सब जो है वो मिट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और ये पूरा इलाका सिंक हो रहा है, लगातार सिंक हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे वो सब टूट गए, इनकी फसलें उजड़ गई, यहाँ पर मंदिर था, यहाँ आश्रम था, यहाँ घर थे, सब के सब जो है वो यहाँ पर मिट गए, तबाह हो गए। और ये तस्वीरें जो है बिल्कुल यकीनी तौर से दिल को तोड़
देने वाली है कि किस तरह लोगों ने अपने घरों के सपने सजोए थे और आज वो बिखर कर टूट गए हैं। और ये देखिए, मैं आपको यहाँ बाग दिखाऊंगा, यहाँ इन लोगों का बाग बना हुआ था, कितना खूबसूरत। ये देखिए, बाग में जो है फल लगा था, फल बन रहा था, लेकिन इसके कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि यहाँ पर ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल भयानक तस्वीरें हैं यहाँ परनोत इलाके से। ये देखिए, ये भी एक पेड़ है जो नींबू का पेड़ जिसे कहते हैं हम, नींबू का पेड़, नाशपति है, सेब है, सब तरह की यहाँ पर देखिए लोगों को घरों का सामान किस तरह बिखरा पड़ा है। ये देखिए, लोगों ने घर छोड़कर यहाँ से सिर्फ अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाया है। ये देखिए, ज़मीन कितनी धस रही है और बिल्कुल अंदर ही अंदर जा रही है ये, और ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि काल की तस्वीरें कुछ और थी, उससे एक दिन पहले कुछ तस्वीरें और थी, और अभी की तस्वीरें जो है कुछ और है। ये मंज़र जो है दिल को यकीनी तौर से दिल को तकलीफ़ पहुँचाता है, लेकिन कुदरत जो है, कुदरत का फैसला कुछ और होता है। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं, उनका मुतालबा ये है कि उनको ज़मीन दी जाए, वो कहीं पर अपना घर बसाएंगे और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मुआवजे का ऐलान होना चाहिए, जो भी वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि इन्हें अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने में फिर से एक थोड़ी सी मदद हो सके, सहायता हो सके। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर, सामाजिक कारकुन, सभी तरह के लोग पहुँच रहे, और हमने देखा सिविल क्वार्टी, उम्मीद टीम, टीम हमदर्द और हिमालयन क्वार्टी, रामबन जो है, रामसू जो है, वो पेश रहे लोगों की मदद करने में, पहले जानों को बचाने में, उसके बाद जानवरों को बचाने में, उसके बाद सामान को बचाने में भी उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इसी तरह के लोग जो है रोल मॉडल होते हैं समाज के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली नस्ल भी इनसे सबक हासिल करेगी और वो भी इंसानियत की खिदमत में पेश रहेगी। जब भी इस तरह की कोई आपदा आए या कोई परेशानी आए, जिस तरह आज परनोत इलाके में आई है, लोग जो है एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके। इंतजामिया से भी गुजारिश यही की जाती है कि वो जल्द अज जल्द कोई पैकेज, कोई बड़े लेवल पर इनके लिए ऐलान किया जाए, ताकि ये जिंदगी में इनको थोड़ा भरोसा मिल सके। जिनका घर का आशियाना उजड़ गया है, सब चीज़ें उजड़ गई है, वो दोबारा से जिंदगी स्टार्ट कर सके। बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस के मंशूर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने ठीक कहा है कि ये मुस्लिम लीग का मंशूर रखता है, वो आवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और इसी तरह तकसीम करना चाहते हैं जो उन्होंने माजी में किया था, जो आज मुमकिन नहीं है। उनके इरादों को जान चुके हैं और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है और वो तरक्की के मोदी मॉड्यूल के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि इस मंशूर को बनाने के दौरान उन्होंने हाफिज सईद और अजहर मसूद की तजावीज़ को एक ऐसे मंशूर की तरह लिया है जो दहशतगर्दों को मज़ीद सरगर्मियां करने की तरगीब दे, और इन तमाम लोगों को जो मोदी सरकार के दौरान कुचले गए थे। मैनिफेस्टो तरक्की, रोजगार, डेवलपमेंट या भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया जाता है, ये पार्टियों की एक लाइन होती है कि आगे 5 साल में क्या करने वाले। कांग्रेस सीधे सीधे मुल्क को बांटने वाली, हिंदू और मुसलमान में बांटने वाली जो लाइन है उनकी, जिस तरह से उनकी पॉलिसी बनी है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम मुल्क को हिंदू और मुसलमान में बांटेंगे। और सीधे सी लगता है कि जो इस तरह से वो पाकिस्तान का जो मैनिफेस्टो, जैसे मुस्लिम लीग का हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक तो ये मुस्लिम लीग की छाप इस पे है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, और दूसरा जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है उससे जो यहां के आतंकी संगठन है, उन आतंकी संगठनों को उससे बल मिलेगा। वो आतंकी संगठन जो आज तक दबे थे, चाहे समी हो, चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को इस मैनिफेस्टो बनाने में हाफिज सईद और अजहर मसूद की भी उन्होंने शायद राय ली है, इसलिए मुझे लगता है कि बांटने वाला मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक रैली में हिस्सा लिया और उन्होंने इंडी कोलिशन को सपोर्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप लोग उन्हें ही वोट दें जिन्हें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह ताला इंडियन अलायंस को कामयाबी दे रहा है। आप खुद देखिए, आप भी तो इंसान हैं, उनकी तकरीरें सुनिए। क्या हम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हमने इस वतन के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या हमने आजादी के दान नहीं लड़ी? क्या इन्होंने लड़ी? इन्होंने तो लड़ी ही नहीं। संघ जो था वो बिल्कुल अंग्रेजों का एक बाजू था, वो तो अंग्रेजों से यही कहते थे कि आप ही यहाँ राज करिए, हम इनके साथ नहीं है जो आपके खिलाफ है। क्या इसमें कोई झूठ है? सच्चाई है। यहाँ पे गाट में सब जगह बात बन रही है, इंशाल्लाह कैंडिडेट्स बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
इंडियन अलायंस मजबूत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनको। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में पार्टी कारकुनों से खिताब किया और इस मौके पर सीनियर रहनुमा गुलजार अहमद डार भी मौजूद रहे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनंतनाग सीट पर तारीख में तब्दीली की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि अगर महीनों बारिश होती रही तो इंतखाबात नहीं होंगे। मुल्क में मौसमी हालात कभी इतने खराब नहीं होते। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बहाने हैं, जब उन्होंने लोगों का सैलाब देखा और डर गए और अब इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं। कभी भी खराब हो सकता है, इसका क्या मतलब है? अगर एक महीने तक बारिश होती रहेगी तो एक महीने इलेक्शन ही नहीं होगा। क्या मुल्क के अंदर कहीं मौसम खराब नहीं होता है? ये तो बहाने हैं जो उनको लोगों का सैलाब जो देख रहे हैं, लोगों का रुझान देखे लोग घबरा गए, पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि इनको मौका मिले लोगों को धमकाने का। और ये जो इन्होंने बेजा दौलत इकट्ठी की है उसको खर्च करने का मौका मिले। मगर मैं इलेक्शन कमीशन से फिर एक बार दरख्वास्त करना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किल से एतमाद आ गया है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस पे, उसको किसी एक शख्स से पार्टी के लिए खराब मत कीजिए। चाडोरा बडगाम असेंबली हल्के इंतखाब से मशहूर सियासी लीडर जफर मीर ने पीडीपी को पार्लिमानी इंतखाबात में साथ देने का ऐलान किया। उन्होंने रजन श्रीनगर में इजलास के दौरान वहीदुर्रहमान पर्रा की हिमायत करने की अपने कारकुनान और साथियों से अपील की। जफर मीर ने कहा कि वहीदुर्रहमान पर्रा एक ऐसे लीडर है जो अवाम की बात और अवाम की खुशहाली का ख्याल रखेंगे, इसलिए उनको सपोर्ट दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने इस पर गौर किया और बाजाबता तौर पर फैसला किया। लजन श्रीनगर में भारी तादाद में जफर मीर के हामी मौजूद रहे और इस दौरान वहीदुर्रहमान पर्रा को भी मदऊ किया गया था। ये हमारा वादा है कि जो ये लोगों के मसाइल लेकर वहां अपने पार्लियामेंट में ऐवान में उनको रिप्रेजेंट करेंगे, मिसाल जैसे ये यूथ है, खुद इनकी एज है 36, ये सिर्फ 36 साल के हैं और ये एक यूथ होने के नाते ये यूथ प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये यूथ की मसाइल जो है, यूथ के जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर समझ सकते हैं, ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि वाहिद साहब परा जो है ये किसी डायनास्टी से नहीं आ रहे हैं, ये एक सिंपल बिजनेस घर से हैं, फार्मर घर से हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छी तरीके से अपने आप को 545 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उनमें बात रख सकते हैं। पीडीपी की जानिब से कुनबल पामपोर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा, साबिक वजीर और एमएलए पामपोर मीर जहूर और डीडीसी मेंबर ताजीम अख्तर के अलावा कई दीगर सीनियर लीडरों, कारकुनों और आम लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान पर्रा ने लोगों की फलाह बहबूद खुशहाली के लिए पीडीपी के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के मनसूखे के बाद से जम्मू कश्मीर को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल के मनसूखे के बाद से जम्मू कश्मीर में खौफ और बदनमी का माहौल पैदा हो चुका है, जिस पर वहीदुर्रहमान पर्रा ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी लोगों में खौफ और गैर यकीनी के मौजूदा
एहसास को खत्म करने के मकसद से पार्टी हर गांव गलियों तक पहुंचकर लोगों के मसाइल सुनकर उन्हें आगे पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अपने तीनों कैंडिडेट चेंज इसलिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इश्यूज है। हम इल्जाम तराशी नहीं करते, लेकिन 5 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी को आवाज की जरूरत है वो कश्मीर को थी। और ये इलेक्शन पार्टी के लिए नहीं, एनसी के लिए नहीं, पीडीपी के लिए नहीं। हम चाहते हैं इस इलेक्शन को लोगों के लिए हम समझे, इट शुड बी अ पीपल्स इलेक्शन। लोगों की मास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जैसे 2002 में आई। हम चाहते हैं ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और नए लोग आएंगे और लोगों की आवाज दिल्ली के सबसे बड़े आह्वान में पहुंचेगी। और बहुत ज्यादा मसले है बेरोजगारी के, रिसोर्सेज पे लूट मचा हुआ है, जाफरान लैंड पे परमिशन नहीं है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला हमें नुमाइंदगी का तो हम अपने लोगों की तर्जमानी करेंगे, नौजवानों की भी जो जेलों में है उनकी भी, और खासकर जो यहाँ के बेसिक मसाइल है जाफरान प्रोड्यूसर्स के, और साथ ही साथ जो यहाँ रिसोर्सेज पे लूट है उस पर बात करेंगे। इन पे हमारा हक है, लोगों का हक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बात की। इस वक्त हमारे इधर जम्मू कश्मीर में हालात है, कोई बात नहीं कर सकता है। और यहाँ के मौलवी देखिए, यहाँ की जर्नलिज्म देखिए, कोई पूरी तरह से बात नहीं कर सकता है। ये इनकी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचानी है, इसलिए हमने नौजवान लीडर को यहाँ उठाया है। जो बात वहां कैसे इस तरह नहीं है कि पिछले दफा हमारे 3 कश्मीर से पार्लियामेंट मेंबर थे जिन्होंने वहां कोई बात ही नहीं की। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी का कहना है कि वो अनंतनाग राजौरी इंतखाबात को मौखर कराने की हिमायत किसी ठोस वजह की बुनियाद पर कर रहे हैं, जबकि अपने मुकर्रा वक्त पर ही अगर पोलिंग होती है तो वो बिल्कुल तैयार है। अनंतनाग के मनीवाड़ और वीरी इलाकों में अवामी इज्तिमा से खिताब करके न्यूज 18 JKLH से खास इंटरव्यू के दौरान अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि उनका बराह रास्त मुकाबला NC से है, क्योंकि PDP का वजूद खत्म हो चुका है। अल्लाह के फजल से जो 4 साल मेहनत की हम लोगों ने, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ साथ हाथ में हाथ डाल के उनके लिए बात करते रहे, मसले उनके उठाते रहे, मुझे लगता है उसमें वो मेहनत कहीं ना कहीं आज अपना जलवा दिखा रही है जी। लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रहे हैं और सच की सियासत कर रहे हैं। और ये भी सच है कि लोगों को इन दोनों रिवायती जमातों से एक कहते ना गेंद हो गई है कि ये फिर वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, जबकि जब मौका था तब ये चोरी बैठे जी। 70 साल में जो नहीं किया फिर आज क्या करेंगे। हमने जब बात की रास्ता बंद है, और आज के दिन में भी मुगल रोड का रास्ता बंद है। शायद PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एहसास नहीं है कि एक नई पार्लियामेंट्री सीट बनी है, दोनों खितों के लोगों को वोट डालने का हक है और बराबर हक मिलना चाहिए। शायद वो दूर रखना चाहते हैं एक बड़ी आबादी को, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्टर्स हैं अपनी पार्टी के। देखिए बैन तो इन्हीं के दौरों में हुआ, यही इन्हीं लोगों ने कराए, ये क्या कहेंगे हमें। अब बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि इस्तेमाल कैसे हुआ, हालांकि जमात इस्लामी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब अगर उन पर बैन उठे तो इनको क्यों तकलीफ है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चलेंगी, ऐसी चीज़ें अगर हमारी सरकार अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आई तो आप देखेंगे कि दीनी जमातों को पूरी इजाज़त होगी कि वो दीन की खिदमत करें। हाँ, कोई एक्सट्रीमिज्म, कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स दो, लेकिन दीनी खिदमत करने की बिल्कुल इजाज़त होगी। अल्लाह, हमने कोई अभी वोट तो लिया नहीं है, लेकिन हम अपना ये पिछले 4 साल का जब से पार्टी बनी है हमारा रिजल्ट कार्ड इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये अपने 70 साल के चेहरे छुपाने के लिए इनको कुछ ना कुछ झूठ बोलना है, क्या बता रही है PDP, हमें दे दो वोट और हमारी आवाज़। तो लाउड स्पीकर को ही क्यों ना लगाएं फिर, वहाँ पार्लियामेंट में लाउड स्पीकर को लगाएं अगर आवाज़ ही सुनानी है जी। इमोशनल मुद्दों के बिना ये बात करें, ये क्या बात कर सकती हैं वहाँ, ये इमोशनल 100 साल की जंग ये तो नहीं लड़ पाएंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
डॉक्टर साहब। करगिल में फयाज अहमद ने द्रास की समस्याओं पर डाला प्रकाश। फयाज अहमद ने समस्याओं को हल करने की लगाई गुहार। करगिल परिषद सचिवालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव कवरेज को चर्चा। गांधरबल के सचिव नुसरत अली ने वन स्टॉप सेंटर का किया दौरा। बच्चों को प्रदान की जा रही है सुविधाओं का लिया जायजा। गांधरबल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन। प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद गनई कार्यक्रम में रहे मौजूद। आरसपुरा के गोगिया गांव में शिव सहज योग साधना कार्यक्रम का आयोजन। आरबी रिजॉर्ट में 1 से लेकर 9 मई तक कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले जान ले अब विश्व में रामायण उत्सव भी। अब की बार 400 पार। क्या है मोदी की गारंटी का रोड मैप? सारे सवालों का खुद देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेबाक बातचीत। पीएम मोदी इंटरव्यू सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर कल रात 9 बजे। मेरे एक वोट। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की जनता से किए वादे। कहा चुनाव जीतने के बाद मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना होगी हमारी प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल पर किया पलटवार। कहा बिंदल बेतुकी बात करते हैं। 400 पार नहीं सत्ता से तड़ी पार होगी बीजेपी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने शिमला के रामपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी बताया। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया का गगरेट। पीडीपी के तर्जमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने पार्टी के जोनल सदर कुतुबद्दीन के हमरा त्राल के सतूरा नारिस्तान धर्मगुंड इलाके का दौरा किया और दौरे के दौरान तर्जमान मौसूफ ने कई अवामी वफूद के अलावा पार्टी कारकुनान से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो 13 तारीख को घरों से निकलकर पीडीपी के हक में वोट डालें। आपको मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये जो पूरा त्राल इलाका है ये हमेशा मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जिस वक्त 1999 में पार्टी बनाई तब से त्राल में जो भी इंतखाब पीडीपी ने लड़ा वो जीता। और लोग जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से मागाम के सनूर कलीपुरा में पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस कन्वेंशन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोऑर्डिनेटर और सीनियर लीडर सईद हिलाल परवेज बुखारी, यूथ लीडर सरफराज नवाज, नायब सदर जिला बडगाम शौकत अहमद और एडवोकेट फयाज अहमद मागरे ने शिरकत की। मुनक्किद प्रोग्राम में काफी तादाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने शिरकत की और इस मौके पर उन लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए कहा कि एनसी अब बौखलाहट की शिकार हो गई है और इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं और ये जान चुके हैं कि इस इलेक्शन में एनसी की हार होगी। इन लीडरों ने अहद किया कि आने वाले इंतखाब में सज्जाद गनी लोन की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तारीख में पहली बार चंडीगढ़ के बलदेव राज चाचा राजौरी पुंछ अनंतनाग हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एनसी पीडीपी और दीगर पार्टियों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 15 सालों से अवाम की खिदमत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोग उन्हें जिताएंगे। उन्होंने कहा कि दीगर उम्मीदवार अपनी हिफाजती जमा भी नहीं कर पाएंगे। के लोग और राजौरी के लोग अनंतनाग के लोग यही चुनाव में उतार रहे हैं कि चाचा हम आपको पावर देंगे और पहले वाले लीडरों ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। कोई काम नहीं करता था, मिलता ही नहीं है, पानी नहीं पिलाता, महबूबा नहीं मिलती किसी से। और भाई आप तो पिछले 20 साल से हमारे को रख रहे हो चंडीगढ़ में, तो आप हमारी आवाज़ बनो लोकसभा में। तो मैं ये मुद्दे हैं और बाकी अब बेरोजगारी के बारे में सब बोलते हैं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी खत्म हो। दारुल उलूम कौसिया अलबनात नानरत्राल की जानिब से एक अजीमुशान तालिमात कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और कॉन्फ्रेंस में 13 हाफिजा बच्चियों की नकाबपोशी की गई। इस मुकदस तकरीब के मौके पर वादी के उलमाए किराम ने अपने खिदबात में मौजूदा दौर में इस्लामी तालिमात की जरूरत पर जोर दिया। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र सना
कि आज कर यथ मदरसस मज त्रुवान बचन हिफ्ज जसारबंदी तो यमे हवाल आज यह कानफ्रेंस तालीमा मुस्तफा सल्लम व निकापोशी सान तरफ वालदेन यही गुजारिश कि वनकस बचे हाफज कलाम ये द्रायन दुत जरूरियात दीन त भगवत कथा का तवील इज्तिमा मशहूर शिव मंदिर अजीत कॉलोनी गोल गुजराल में इख्तिताम पजीर हुआ और इज्तिमा में मुख्तलिफ कैंपों से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने शिरकत की। स्वामी श्री भूषण शरणार्थ ने अकीदतमंदों और बच्चों को इल्म फराहम करने के लिए कश्मीरी में तर्जुमे के साथ मुकद्दस कलाम की तिलावत की। यह भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए वाक्य हैं तो उनकी वाणी तो वो तो अमृत के तुल्य है और ये भागवत महापुराण जिसका हम पिछले 10 वर्षों से करके आए हैं इस बार ये 11वीं कथा चल रही है। यहाँ पे रूपनगर मंदिर में 10 कथाएँ हुई हैं और बहुत से लोग जहाँ तक हमने देखा बहुत से लोग इसमें जागृत हुए हैं। और कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।